हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का बेसिक और कुछ एग्जांपल्स। तो एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए एक न्यू टॉपिक है लेकिन बहुत ही सिंपल टॉपिक है और हमारे सेट्स चैप्टर को बहुत ईजी बना देता है। वेन डायग्राम टॉपिक क्या होता है? वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम में सबसे पहले ना हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं और सबसे पहले आप याद रखना हम यहाँ पर U लिखते हैं। ये U क्या करता है? U मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। अब आप कहोगे यूनिवर्सल सेट क्या है सर? तो यूनिवर्सल सेट मतलब हो गया, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक U सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 to 15, ऐसे समझ लो 1 से लेके 15 तक के नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके अंदर हमें सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, बस टेंशन मत लीजिए। आपको इस तरह से सर्कल ड्रॉ करने होते हैं और इन सर्कल में क्या आता है? इन सर्कल में आता है यूनिवर्सल सेट के सबसेट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं एक सेट है ए, एक सेट है ए जिसके अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं 5 से लेके 10 तक, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये वाला जो सर्कल है इसको नाम ए दे दिया हमने। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन ये यूनिवर्सल सेट जो था इसके अंदर क्या था? 1 से लेके 15 तक सभी एलिमेंट थे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस बॉक्स के अंदर 1 से लेके 15 तक मुझे सारे लाने हैं। ठीक है, एक बी सेट भी ले लेता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इसमें 9, 10, 11 ये 3 नंबर है। ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने बी सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर तो पूरे आने हैं, 1 से लेके 15 तक सब आना है। उस 1 से लेके 15 तक के जो ये ए वाले नंबर है ये हम ए के अंदर लिख देते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और लिखना है मुझे। लेकिन मैं 9 और 10 को लिख रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैंने देखा कि जो 9 और 10 जो हमारे एलिमेंट हैं वो हमारे बी सेट में भी आ रहे हैं। तो देखिए ये जो पार्ट होता है ये हमारा ए सेट में भी आ रहा है और बी सेट में भी आ रहा है। तो बीच में जो कॉमन वाला पार्ट हो गया ये मैंने 9 और 10 को यहाँ डाल दिया ताकि ये ए सेट में भी शो हो जाए और बी सेट में भी शो हो जाए। ये जो 9, 10 है ये हो गए कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखो 9 और 10 जो है कॉमन है। अब इसमें क्या लिखूंगा? इसमें लिखूंगा 11। तो एक बार को कोई आपका डायरेक्ट पढ़ के समझ सकता है कि बी सेट के अंदर 9, 10 और 11 आते हैं, ए सेट के अंदर 5, 6, 7, 8, 9, 10 आते हैं। ये 9 और 10 जो हैं ये दोनों में कॉमन है। अब 1 से लेके 15 तक जो हमारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको लिख दो बाहर, इस सर्कल के बाहर, क्योंकि ए और बी में जो नहीं आ पाए वो बाहर आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आ गए इसमें। इसके आगे के 12, 13, 14 और 15 ये सब मैंने लिख दिए ए और बी के बाहर। अब हम इसको डायरेक्टली पढ़ के समझ सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर एरे मैंने बनाया ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर ये सभी एलिमेंट इसी के अंदर आते हैं, 1 से लेके 15 तक सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं, जिसमें से ए जो हमारा सेट था उसके अंदर 5, 6, 7, 8, 9, 10 आते हैं और बी सेट जो था उसमें 9, 10 और 11 आते हैं। और एक बात मुझे और पता लगी, ये जो बीच में यानी येलो पार्ट से आपको डिनोट किया है ये जो होता है ये कॉमन होता है बीच में, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन पार्ट हो गया ये, यानी कि ए और बी में जो कॉमन है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो कॉमन का मतलब मुझे समझ में आ गया, कॉमन मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, कैसे उसके अंदर ए और बी सेट बनाते हैं, उसमें कॉमन एलिमेंट कैसे शो करते हैं, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा वेन डायग्राम के अंदर डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन और भी कुछ टर्म्स यूज होती हैं, ऐसी और भी टर्म्स यूज होती हैं, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी कुछ टर्म्स जो इसमें यूज होती हैं, जैसे कि यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में मैंने यू लिख दिया, इस यू का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में यू लिखने का मतलब क्या होता है कि ए और बी का यूनियन करना है हमें। कुछ बच्चों को बहुत ही ज्यादा इसमें प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये यू मतलब यूनियन है या यूनिवर्सल है। आपने यूनिवर्सल को भी यू से डिनोट करा था, आपने यूनियन को भी यू से डिनोट करा, तो हमें कैसे पता लगेगा। अब देखो बात, आपको कैसे पता लगेगा। ए यूनियन बी इसका मतलब है जब भी दो सेट के बीच में लिखा जाएगा यू तो उसका मतलब होता है यूनियन। जब हम डायरेक्टली यू लिखेंगे, यू सेट बनाया तो इसका मतलब ये सेट यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जब किसी दो सेट के बीच में यू सिंबल लगा होगा इसका मतलब है ए और बी का यूनियन करना है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमें एक साथ दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिखना है। हमें एक साथ ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट को लिखना है, बट एक बात का ध्यान रखना है, जो एलिमेंट्स हमारे रिपीट हो रहे हैं वो हम एक बार ही लिखेंगे। तो मेरा जो ऊपर एग्जांपल था इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं ए यूनियन बी करूं तो इसके अंदर आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मैं 9 और 10 को रिपीट नहीं करूंगा, अपने सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखूंगा, रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं लिखे मैंने। देखो 9, 10, 9, 10 दो बार आ रहा है लेकिन हम लिखेंगे एक ही बार। तो इसका मतलब ये हो गया ए यूनियन बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट भी आ गए इसमें, बी के सारे एलिमेंट भी आ गए, तो ये मिला के हो गया ए यूनियन बी। इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है यूनियन। इसको अगर मैं जनरल वे में एक्सप्रेस करूं तो ए यूनियन बी का मतलब होता है सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है कि ए सेट को बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट भी आ जाएंगे और बी सेट को बिलोंग करने वाले भी सारे एलिमेंट इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिनोट कैसे करते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यूनियन का, फिर आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं एक सेट है ए 1, 2, 3, 4, एक सेट है हमारा बी 5, 6, 7। तो अगर कोई आपसे बोले कि ए यूनियन बी निकाल के दिखा दीजिए तो इसका मतलब होता है ए के एलिमेंट्स लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और बी के एलिमेंट भी लिखेंगे इसके अंदर 5, 6, 7। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं था, इसमें 4 एलिमेंट तो ए में आ गए और 5, 6, 7 आगे के 3 एलिमेंट बी में आ गए, तो हम ये सभी लिख देंगे ए यूनियन बी में। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से ए यूनियन बी का मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं आपको वेन डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब वेन डायग्राम की हेल्प से। अगर इसी एग्जांपल को मैं सेम इस एग्जांपल को मैं अगर वेन डायग्राम में बनाने की कोशिश करूंगा तो कैसे बनेगा। पहले एक रेक्टेंगुलर एरो बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे यू। ठीक है, अब ए सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे ए और बी, इन दोनों में आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिलहाल अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ लेकिन मैं कॉमन वाले पार्ट में कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं लिखूंगा ए के अंदर 1, 2, 3, 4 और बी के अंदर लिखूंगा 5, 6 और 7। मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर मैं बोलूँ ए यूनियन बी क्या है तो ए यूनियन बी मतलब ए सेट पूरा आ जाता है। मैं आपको शेड करके दिखा देता हूँ, शेड करना पड़ता है आपको एग्जाम टाइम पर। अगर वो आपको बोले ए यूनियन बी शेड कर दो तो ए यूनियन बी क्या हो गया, हमारा पूरा एक सेट ए हो गया और पूरा बी सेट हो गया। ये पूरा कहलाता है ए यूनियन बी। ये आपके सामने मैंने शेड कर दिया, ये पूरा ए और पूरा बी मिला के बोलते हैं ए यूनियन बी। अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दूं जिसमें कॉमन पार्ट भी आ रहा हो, जैसे मान लो ए हो गया हमारा, ठीक है, तो हमें पता लग गया कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ये जो ग्रीन शेडेड पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा, ठीक है, मैंने ग्रीन से शेड करा है, आप अपनी पेंसिल से भी शेड कर सकते हैं। ये ग्रीन शेडेड रीजन जो मैंने कर दिया पूरा, ये कहलाता है ए यूनियन बी। ठीक है, अभी मैंने ऊपर एक वर्ड यूज किया था इंटरसेक्शन, जो कि होता है कॉमन बीच में। यहाँ पर इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है क्योंकि हम देख सकते हैं 1 2 3 4 ए में आ रहा है और 5 6 7 आ रहा है हमारा बी में, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने कॉमन वाले के बीच में कुछ नहीं लिखा। ये हो गया हमारा यूनियन और यूनियन का वेन डायग्राम, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद इंटरसेक्शन, जो मैंने अभी आपको समझाया था ना, ऊपर नाम समझाया था, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन पार्ट, मैंने अभी समझाया था कॉमन पार्ट। तो जैसे कि अब मैं लिख रहा हूं A 1 2 3 4 और B में लिख रहा हूं 3 4 5 6 और 7 भी लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। मैंने दो लिख लिए A सेट और B सेट। अब आप इसमें देख सकते हैं, अगर तो आपसे बोलें कि इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा, तो हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट अभी मैंने इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं, अगर लिखा होगा यूनिवर्सल सेट तो आप इसमें लिख देना, नहीं लिखा होगा तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ग्रीन शेडेड वाला दिखाया वैसे सिंपल बना देना, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर एरे, ये तो बहुत जरूरी है, उसके अंदर बनाते हैं हम इस तरह से ए सेट और बी सेट। तो ये हो गया हमारा ए सेट और ये हो गया हमारा बी सेट। इसके अंदर एलिमेंट फिल करते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर भी आ रहा है 3 4, तो 3 4 जो हमारे एलिमेंट है ये कॉमन है, तो इसका मतलब 3 और 4 जो है वो आएगा बीच में और बाकी 1 और 2 यहाँ लिख दो। तो ए के एलिमेंट्स हो गए कंप्लीट 1 2 3 4 देख लीजिए। ऐसे ही अब हमें लिखना है बी के, तो 3 4 में लिख चुका हूँ ऑलरेडी, 5 6 और 7 आ जाएगा बी में। अगर कोई आपसे पूछ ले इंटरसेक्शन बताइए इन दोनों में, तो मैं आपको शेड कर देता हूँ वो रीजन, ब्लू से शेड कर देते हैं। ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है ये कहलाता है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को डिनोट करने के लिए हमारा सिंबल क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी। उल्टा सिंबल है, देखिए पहले यू लिखते थे यूनिवर्सल के लिए, इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू बनता है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हमें पता लगा ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, आंसर हमारा 3 4। 3 4 इज द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ ए एंड बी। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए अब हम समझेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो कि यूनियन से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए पहली प्रॉपर्टी जो हमारे सामने आ रही है, वो पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी। अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, अगर हम उनका यूनियन करें या हम बी यूनियन ए करें, बात तो एक ही है। ये प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो और लॉ भी बोल सकते हो, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये हम क्लास 6 7 में भी पढ़ते थे, जहाँ पर हमें ये पढ़ाया जाता था कि कोई दो नंबर हैं x+y या y+x, दोनों ही सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो आप 2 + 3 करेंगे तब भी 5 आएगा और 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा। तो यही चीज़ हम यूनियन में पढ़ रहे हैं आज, कॉम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए में हमारे हैं एलिमेंट 1 और 2 और बी में एलिमेंट हैं 3 और 4। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। यूनियन मैंने अभी समझाया आपको, सभी लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। या मैं बी यूनियन ए करूं तो भी क्या आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। आप कहोगे सर ऑर्डर मैटर नहीं करता क्या, 3 4 1 2 लिखना चाहिए था। नहीं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आप ए यूनियन बी करो तो ए और बी के सभी एलिमेंट आने चाहिए, आ गए। या बी यूनियन ए करो तब भी आ गए। तो इसका मतलब बोथ आर इक्वल, तो हो गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, बहुत ही सिंपल। सेकेंड है हमारे पास ए यूनियन बी इन ब्रैकेट यूनियन सी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ये भी आपने 6 7 क्लास में ही पढ़ा था, इसको बोलते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, याद आ गया होगा आपको। यहाँ पर भी एसोसिएटिव ही नाम है इसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं और लॉ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए मैं सी एलिमेंट भी लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सी, मैं सॉरी एक सी सेट भी लिख रहा हूँ, गलती से मैंने एलिमेंट बोल दिया था, सी सेट भी लिख लेता हूँ मैं एक, क्योंकि यहाँ पर तीन सेट की बात हो रही है, ए की, बी की और सी की। तो जहां पर मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में ए सेट को माना था 1, 2, बी सेट को माना था 3, 4, अब मैं सी सेट को भी कुछ मान लेता हूँ, ऐसा मान लेते हैं 5, 6 मान लेते हैं। ठीक है, मेरे पास अब तीनों सेट हो गए ए, बी और सी। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को लेके हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव कर देते हैं। सेकंड में करेंगे तो क्या होगा, पहले हम करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो क्या आया था 1, 2, 3, 4। इसका यूनियन करेंगे सी के साथ, यानी कि 5 और 6 के साथ। तो इसका यूनियन करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास ये आ गया ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ, यहां से आ गया हमारे पास ये। अब हम यहां से भी चेक कर लेते हैं, तो हम ए को लिख लेते हैं 1, 2 को यहाँ लिख लेते हैं। इसका यूनियन करेंगे हम, ए का यूनियन करेंगे हम किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो उसके लिए हमें बी यूनियन सी चाहिए। बी यूनियन सी कितना आएगा 3, 4, 5, 6। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी फिर मैं उसके लिए आपको अलग से कमेंट में समझा सकता हूं, या आपको मैं अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूं आपके डाउट्स की। तो बस आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको कोई भी अगर मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो देखिए मैंने ए सेट को एज इट इज लिखा 1, 2, फिर मैंने यूनियन का सिंबल लिखा, फिर मैंने बी यूनियन सी एक साथ कर लिया, बी यूनियन सी यानी कि 3, 4, 5, 6 यहाँ लिख लिया। अब इसका और इसका यूनियन करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आएगा ना। तो आप देख सकते हैं इधर से भी यही आ रहा है और इधर से भी यही आ रहा है। तो ये हो गई मेरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव। अब आप थर्ड एग्जाम्पल देखिए जरा, थर्ड प्रॉपर्टी ए यूनियन फाई। फाई का मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, नल सेट होता है, यानी कि एम्प्टी सेट, कुछ नहीं है इसमें। तो ए सेट का एम्प्टी सेट से यूनियन करेंगे तो ऑलवेज आपका ए सेट ही आएगा। ये सिंपल सी बात है, इसको मैं एग्जांपल से भी क्या लिख के दिखाऊं आपको, सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है और मैं आपको 0 रुपये दे दूँ, तो 10 का 0 से यूनियन कर दो, यूनियन मतलब दोनों को एक साथ लिख दो, तो 10 और साथ में 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो 10 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर ए का खाली सेट के साथ यूनियन करोगे तो ए आएगा। इसको बोलते हैं, इस लॉ का नाम क्या है वो आप साइड में लिख लीजिए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों बोलते हैं, देख लीजिए। देखिए लॉ ऑफ आइडेंटिटी मतलब हमने जो ए सेट लिया था वही आइडेंटिटी हमारे पास वापस आ गई। ए को 5 से करा तो वापस ए आ गया यूनियन करने पर, तो इसका मतलब वही आइडेंटिटी आ गई, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सिंपल सी थी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, ए यूनियन ए। ए का ए से ही यूनियन करोगे तो ऑब्वियसली ए ही आएगा। कैसे, सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, 1, 2। ठीक है, इसका मैं यूनियन करूंगा इसी के साथ, सेम मैं यूनियन करूंगा 1, 2 का 1, 2 के साथ। मैंने आपको ये बताया था कि इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट आपको लिखने होते हैं, तो ए यूनियन ए में आप क्या लिखोगे 1, 2, 1, 2 है ना। लेकिन मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो ये हमें एक ही बार लिखना है 1, 2, जो कि हमारा ए है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ए को हमने 1, 2 लिया था ना, तो हमें पता लग गया कि अगर ए का ए से यूनियन करेंगे तो वापस हमें ए ही मिलेगा। इसका नाम होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, IDEMPOTENT लॉ। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 लॉज कंप्लीट। एक लास्ट और सुन लीजिए, सिंपल सा ये भी, अगर मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन करूंगा ए के साथ। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर ये आपने कौन सा यूनिवर्सल लिखा और कौन सा यूनियन लिखा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसी 2 सेट के बीच में अगर यू लिखा है तो इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन कर रहे हैं ए सेट के साथ, तो आंसर आएगा यूनियन। ये कैसे हुआ, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये देख लेते हैं एक एग्जांपल से। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ यू। ठीक है, इसका नाम होता है लॉ ऑफ यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब एलिमेंट आ रहे हैं। और एक हमारा ए सेट है जिसमें आ रहे हैं 1 2 3 4। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन करूंगा ए के साथ, तो यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन करने पर सभी दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, जो पूरे पूरे इन दोनों में आ रहे हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 1 से लेके 10 तक जब लिखोगे ये तो इसके अंदर ही आ जाएंगे। तो मेरे को क्या लिखना है, पूरा का पूरा 1 से लेके 10 तक, जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। तो हमारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल और ये सिंपल सिंपल सी हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 है और बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, एक ए सेट दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, बी सेट में 2 3 5 7 है। हमें फाइंड करना है ए और बी में इंटरसेक्शन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो देखिए 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, 5 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 2 3 5 7 है। तो मैंने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी करने पर 2 3 5 7 आया, और जो मेरा बी सेट था वो भी क्या था, 2 3 5 7 ही था। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकेंड। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने ये देखा कि जो बी सेट था वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी। ये देखिए, ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया और फर्स्ट पार्ट का आंसर भी दे दिया हमने। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जिस तरह से हमने यूनियन में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, सेम प्रॉपर्टीज हमारे इंटरसेक्शन में भी हैं, बिल्कुल सेम। जैसे कि हमने पढ़ा था ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये तो यूनियन की बात थी, यहाँ पर अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो वो भी सेम यहाँ पर इक्वल होता है। अगर ए और बी में कॉमन निकालोगे या बी और ए में कॉमन निकालोगे तो वो दोनों सेम ही आएंगे। तो वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी एप्लीकेबल है, वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी एप्लीकेबल है, ठीक है। करना क्या है आपको, बस आपको कुछ अलग जो है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये दोनों तो यहाँ पर एप्लीकेबल थी। ये देखिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए का इंटरसेक्शन करना है फाई के साथ, तो क्या आंसर होगा ये आप लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज जो करा रहा हूँ, कॉम्यूटेटिव सेम है जैसे वहां थी वैसे यहाँ है, एसोसिएटिव सेम है जैसे वहां थी वैसे यहाँ है, लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें मैंने देखा कि ए और फाई में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है फाई जिसमें कुछ भी नहीं आता खाली, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है। कोई एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं है, तो इसका आंसर होता है फाई। क्लियर, ये चीज और वो चीज डिफरेंट है, तो मैंने इसलिए ये वाली डिस्कस कर दी यहाँ पर। अगर मैं आपसे बोलूं यूनिवर्सल सेट का हमें इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, खुद सोचो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेके 10 तक आ रहे हैं, 1 to 10 तक सभी नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर। इन दोनों में कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या होगा, 1 2 3 यहाँ भी है और 1 2 3 यहाँ भी है। तो कॉमन क्या हो गया हमारा 1 2 3, जिसको ए बोलते हैं। देखो 1 2 3 को ए बोलते हैं। तो हमारा इंटरसेक्शन करते टाइम ए आता है और यूनियन करते टाइम यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। अब हम लास्ट देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। इसी एक्सरसाइज में एक और टॉपिक है डिफरेंस ऑफ दी सेट, और ये बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं एक ए सेट है 1 2 3 4, एक सेट है बी 3, 4, 5, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं हमें डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि a माइनस बी करना है, तो आप एक बार ध्यान से अगर सुन लेंगे तो आपको कभी भी ये चीज दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सिंपल है। a सेट में से b सेट के एलिमेंट माइनस करने हैं, यानी कि a सेट में जाओ, a सेट में जाओ और a सेट से वो माइनस कर दो जो b में आ रहे हैं। a सेट में जाओ और वो माइनस कर दो जो b में आ रहे हैं, यानी कि 3 और 4 को हटा दो क्योंकि वो b में आ रहे हैं, b वाले हमें हटाने थे। तो क्या बच गया, 1 बच गया और 2 बच गया। तो आंसर आ गया a माइनस बी आ गया 1,2। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,2। यही अगर मैं आपसे बोलता कि आपको बताना है b माइनस ए, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने आपकी अभी आपको बताया था b में से अगर आपको a माइनस करना है, अब तो आप b सेट में जाएंगे जो पहले लिखा होता है उसमें जाना होता है, ठीक है। तो इस बार b पहले लिखा है, तो आप b सेट में जाएंगे और वो सभी एलिमेंट माइनस कर देंगे जो a में आ रहे हैं। तो आप b सेट में जाइए, b सेट में आइए और इसमें से वो माइनस कर दीजिए या वो हटा दीजिए जो a में आ रहे हैं। तो 3 और 4 a में आ रहे थे इसलिए मैंने हटा दिए। अब b में जो बचा है वो आप यहाँ लिख सकते हैं 5। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ द सेट, ठीक है। हमें एक बात तो उससे क्लियर हो गई कि जो a माइनस बी था और जो b माइनस ए था, ये दोनों ही सेट अलग अलग आएंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आप देख भी सकते हैं a माइनस बी करने पर आंसर आया था 1,2 और b माइनस ए करने पर आंसर आया 5। तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, तो याद रखेंगे a माइनस बी करने पर अलग आंसर आते हैं और b माइनस ए करने पर अलग। These two are not equal. तो a minus b is not equal to b minus a, ये आपको ध्यान रखना है। बस अब आपको एक बात समझनी है, अगर डिफरेंस ऑफ ए सेट आपको फाइंड करना है वेन डायग्राम की हेल्प से, मतलब शेड करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले यूनिवर्सल सेट बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर एरे बनाएंगे। इस रेक्टेंगुलर एरे में आपको क्या करना है, U लिखना है साइड में और यहाँ पर बनाना है एक सर्कल जिसका नाम होगा A और दूसरा सर्कल जिसका नाम होगा B। 1, 2, 3, 4 आ रहा है और 3, 4 देखो रिपीट भी हो रहा है। तो 3, 4 जो रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं वो तो दोनों में आ रहे हैं, तो बीच में आएंगे। बचा क्या, 1 और 2। यहाँ पर देखिए B में 3, 4, 5 आ रहा था, 3, 4 में लिख चुका हूँ, 5 हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं कि शेड कर दो आप a माइनस बी रीजन को, तो a माइनस बी मतलब a में जाओ, a में जाओ और वो एलिमेंट हटा दो जो b में आ रहे हैं, ये वाले एलिमेंट नहीं देखेंगे। तो फिर देखेंगे कौन से, कौन सा शेडेड रीजन करूं, फिर ये वाला रीजन जो बचा, ये हो गया हमारा a माइनस बी। क्या किया मैंने, मैं a में गया, उसमें जाने के बाद मैंने वो वाले एलिमेंट हटा दिए जो बी में आ रहे थे। देखो ये वाले एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं तो ये नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब जो ये येलो वाला शेडेड रीजन है ये हमारा कहलाएगा ए माइनस बी। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बी माइनस ए क्या चीज होगी। तो बी माइनस ए क्या होगा, आपको बी में जाना है और बी में जाने के बाद वो एलिमेंट हटा देने हैं जो ए में आ रहे हैं। तो ये 3, 4 ए में भी आ रहा है तो इसको नहीं देखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये वाला शेडेड रीजन। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बी माइनस ए, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, बी माइनस ए, और ये येलो वाला पार्ट क्या था, ए माइनस बी। अगर कोई आपसे पूछ ले जो बीच में कॉमन पार्ट आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पार्ट। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। a इंटरसेक्शन b जो बीच में कॉमन होता है, a माइनस बी जो येलो पार्ट है, b माइनस a जो ग्रीन पार्ट है, शेडेड रीजन। तो ये हो गया हमारा पूरा बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 1.4।